हमारे गांव में एक एम्बुलेंस भी चाहिए कि जब देर नेर सवेर जब भी कोई बीमार होता है तो उसको बड़ी काफ़ी परेशानी होती है। नमस्कार, हमारी पंचायत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे आज के मेहमान हैं पिछले करीब 8 साल से पंच श्री राजकुमार शर्मा। जनता की ओर से आज हम उनसे पिछले कार्यकाल का हिसाब मांगेंगे। हम पूछेंगे कि उन्होंने ऐसा क्या किया कि जनता उन्हें एक बार फिर आशीर्वाद दे। सबसे पहले तो हमें जम्मू कश्मीर टुडे का आभार जताता हूं कि उन्होंने बात करने के लिए बुलाया है। तकरीबन 8 साल पहले जब पंचायती इलेक्शन हुआ था तो लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था और मेरे को भारी बहुमत से विजय करवाया था, बहुमत दिया था। और वो मेरी जीत नहीं थी, मैं समझता हूँ कि एक वो लोगों का प्यार था, एक लोगों का मेरे प्रति विश्वास था। और लोगों का ये प्यार और विश्वास देखते हुए मैंने भी एक संकल्प किया था और कसम खाई थी, और उस ऊपर परमात्मा से मैंने यही गुजारिश की थी, ये परमात्मा मेरे के अंदर इतनी शक्ति प्रदान करो कि ये लोगों का जो विश्वास है, ये जो प्यार है, ये बरकरार ही रहे। तो उसके बाद हमारी पंचायत के अंदर बहुत सी चुनौतियाँ थी, क्योंकि डेवलपमेंट नाम का पता ही नहीं था किसी को, डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हुई थी। पिछले इलेक्शन में जो आए थे नुमाइंदे, उन्होंने कुछ नहीं किया था, लेकिन फिर भी उन चुनौतियों का सामना करते हुए हमने 8 गलियों का निर्माण किया। एक दसवें घर की हमको बहुत प्रॉब्लम थी, जो कि हमारी माताएं बहनें वो बड़े दूर, जहां से 8 किलोमीटर दूर जाकर सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, उसमें जाकर वहां पर कपड़े कुपड़े धोने के लिए जाती थी। हमारे पास एक चुनौती थी जगह की, कि हमारे पास दसवां घर बनाने के लिए जगह नहीं थी। जहाँ पर हमारे CBI इंस्पेक्टर चेला राम जी के बेटे से मैंने सुभाष जी से बात की कि सुभाष जी, हमारे पास दसवें घर की जगह नहीं है। और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं राजू, हम जगह का बंदोबस्त करते हैं। उन्होंने अपने पिताजी से बात की, और मैं कहता हूँ कि ऐसे महापुरुषों को हमारे भी आजू लग जाए कि उन्होंने सुबह बुलाया और कोर्ट में बुलाया और 10 मरले जगह जो है, 10 मरले जगह दसवें घर के लिए वो पंचायत को दान कर दी। हमारे पास पैसा नहीं था तो शर्मा जी से, जशपाल शर्मा जी MLC हैं जो, उनसे पैसा मांगा और उन्होंने पैसा दे दिया। और इसी तरह हमने दसवें घर का भी निर्माण कर दिया, जहां पर वह हमारे सुशील महाजन जी जो कॉलोनी बना रहे थे, तो उनसे हमने कम्युनिटी हॉल के लिए फ्री में जगह ली। जनता आपको फिर से आशीर्वाद देती है, अब पहला काम आपका क्या हो? हमारा जो पहला जो फोकस है, वो हमने जो जगह ली हुई है उस कम्युनिटी हॉल की बरातघर के लिए, हमारा सबसे बड़ा फोकस उसी पे होगा कि हम एक अच्छा सा एक बरातघर बनाए। PHE की पाइपें डाली गई थी, पिछले 20 साल से पानी नहीं है, उसके लिए क्या करें? हाँ, ये बात सही है कि पिछले काफ़ी अरसे से जहाँ पर पाइपें PHE की डाली गई थी, लेकिन उन पे अभी तक पानी नहीं छोड़ा गया। लेकिन अभी जो पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि जहाँ पर ट्यूबवेल का काम शुरू हुआ है, और जल्दी ही वो पाइपें जो हैं वो इलेक्शन के बाद हमारा जो लक्ष्य होगा, जो हमारे 2-3 जो काम आपको बताए हैं, एक कम्युनिटी हॉल का, जो PHE की पाइपों का, और 1-2 हमारे काम है कि हमारे गाँव में एक एम्बुलेंस भी चाहिए कि जब देर नेर सवेर जब भी कोई बीमार होता है तो उसको बड़ी काफ़ी परेशानी होती है, एक एम्बुलेंस होनी चाहिए। और एक हमारा एक नाला है, उस नाले का काम भी जो है वो हम शीघ्र शुरू करवाएंगे। मेरे को ये भी पता है कि कुछ हारे हुए, जो पिछली बार हारे हुए कैंडिडेट हैं, जो मेरे बारे में बड़ा गलत प्रचार कर रहे हैं, वो 8 साल तो गैप रहे, लेकिन अब इलेक्शन के टाइम फिर वो मैदान में आ गए हैं और मेरे खिलाफ काफ़ी गलत प्रचार कर रहे हैं, और मेरे को पूरा विश्वास है कि इस बार फिर उनको हार का सामना करना पड़ेगा।